नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज मैं बताऊंगा कि समग्र आईडी से परिवार की जानकारी कैसे डाउनलोड की जाती है या किसी सदस्य की आईडी से परिवार की सूची कैसे डाउनलोड की जाती है या मोबाइल नंबर से परिवार की सूची कैसे डाउनलोड करते हैं। तो चलो आइए हम आपको बताना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कोई से भी ब्राउज़र में MP समग्र पोर्टल टाइप कर लेंगे। उसके बाद में जो हमें सबसे पहले वाला समग्र पोर्टल दिख रहा है उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पास हमारे पास इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। इसमें हम समग्र परिवार एवं समग्र आईडी की से भी हम पूरी जानकारी ले सकते हैं, समग्र आईडी से भी जानकारी देख सकते हैं, परिवार आईडी से भी देख सकते हैं। साथ ही साथ परिवार के किसी सदस्य की आईडी से भी हम पूरी जानकारी देख सकते हैं, मोबाइल नंबर से भी देख सकते हैं और समग्र आईडी से भी जानकारी देख सकते हैं। तो चलो हम देखते हैं, यहाँ पे एक समग्र आईडी डाल के किसी सदस्य की समग्र आईडी से हम पूरे परिवार की सूची निकालेंगे। तो यहाँ हम डालेंगे समग्र आईडी। ये हमने समग्र आईडी डाल दी है। फिर उसके बाद में हम ये कैप्चा डालेंगे जो नीचे दिया गया है। इस कैप्चा को डालेंगे खाने में XLDX जो कैप्चा है नीचे वाले खाने में हम डालेंगे। उसके बाद में हम आगे प्रोसेस कर देंगे। तो यहाँ पे सदस्य की जानकारी, परिवार की जानकारी एवं परिवार के सदस्यों की सूची, तो हम परिवार के सदस्य की सूची पर टिक करेंगे तो हमारे पास पूरे परिवार की सूची उपलब्ध हो जाएगी। इसको प्रिंट अभी हम निकाल सकते हैं। इसके साथ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।